अच्छा, तो रिसेप्टर्स जो हैं, रिसेप्टर्स की कोई भी चेंज जो एनवायरनमेंट के अंदर होती है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कई बार एग्जांपल दी है कि बाहर सर्दी हो जाती है या गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर चेंज होता है, इसी तरह प्रेशर जो है आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगता है, इसी तरह बाहर जो है वो बारिश हो जाती है। जितने भी चेंजेस होती हैं उन सब की डिटेक्शन जो है, यानी कि रात हो जाना, दिन हो जाना, ये सारी की सारी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस जो हैं आपकी बॉडी डिटेक्ट करती है, ठीक है। आपकी बॉडी उनको डिटेक्ट करती है, और जो जो चीजें आपकी बॉडी में ये डिटेक्शन वाला काम करती हैं उनको कहते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं, सही है। तो हम बात कर रहे थे रिसेप्टर्स की, और आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स मौजूद हैं। हम जो है जस्ट कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स को, ठीक है, सोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और मैकेनिकल रिसेप्टर, ठीक है। और इसमें से भी, क्योंकि अब आपने नई नई बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जस्ट आप दो जो हैं उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, जस्ट दो जो है उनको स्टडी करेंगे, जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स और सोनो रिसेप्टर, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और रिसेप्टर्स यानी कि लाइट को जो डिटेक्ट करेंगे। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है, यानी कि बाहर रोशनी हो रही है, नहीं हो रही, वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर जो लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, तो वो आपकी आंखें हैं, ठीक है। आपकी आंखें, अगर आप अपनी आंखों को बंद कर दें तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ना ही आपको ये दिखेगा कि रोशनी ज्यादा है या कम है, या ना ही आपको ये दिखेगा कि रात है या दिन है, ठीक है। तो लाइट की डिटेक्शन जो है वो कौन करता है? फोटो रिसेप्टर्स इन योर बॉडी, दैट इज आई, ठीक है। आपकी आंखें जो है वो रोशनी के लिए, रोशनी की डिटेक्शन के लिए काम करती है, ठीक है। आगे है सोनो रिसेप्टर। सोनो का मतलब होता है साउंड, ठीक है। सोनो का मतलब क्या होता है? साउंड। और साउंड आपकी बॉडी में कौन सुनता है जी? आप लोगों की या एनवायरमेंट के अंदर से आवाज कहाँ से सुनते हैं? अपने कानों से सुनते हैं, ठीक है, अपने कानों से सुनते हैं। तो ईयर, ईयर जो है वो सोनो रिसेप्टर हो जाएंगे, ठीक है। आगे है जी कीमो रिसेप्टर। तो कीमो रिसेप्टर है जो केमिकल्स की डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? केमिकल्स की डिटेक्शन करते हैं। और केमिकल की डिटेक्शन से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके कमरे में कोई बंदा जो है वो सेंट लगा लेता है, वैसे ही एनवायरमेंट के अंदर इस तरह से स्प्रे वगैरह कर देता है, थोड़ी देर बाद आपको उसकी खुशबू या बदबू आना शुरू हो जाती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपको उसकी खुशबू या बदबू आना शुरू हो जाएगी, और इसका क्या मतलब है कि वो केमिकल्स जो स्प्रे के अंदर मौजूद थे अब वो आपके नाक के जरिए डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी नाक के अंदर कीमोरिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह जब आप खाना खाते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के जायके आते हैं, इसका मतलब है कि आपके मुंह के अंदर जो है कीमोरिसेप्टर्स मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल रिसेप्टर की। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी के ऊपर वजन वगैरह आ जाता है, आप जो भारी भरकम वजन उठाते हैं तो आपको उसका प्रेशर महसूस होता है, कोई आपको टच करता है तो आपको वो भी महसूस होता है, वो सारे के इसमें आ जाते हैं, मैकेनिकल रिसेप्टर के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह बाकी भी कई सारे के रिसेप्टर हैं, जिस तरह दुख पेन के लिए जो है आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, बाकी ऑस्मोरेगुलेशन के लिए यानी कि साल्ट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए रिसेप्टर मौजूद है, कई ऐसे जो है आपके बॉडी के अंदर हीट जो है यानी कि आपके थर्मोरेगुलेशन जो है आपके बॉडी का टेम्परेचर कायम रखने के लिए भी रिसेप्टर्स मौजूद है। तो यस, काफी सारे जो है रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जस्ट आप यहाँ पे कितने पढ़ेंगे? टू पढ़ेंगे, ठीक है, कितने पढ़ेंगे? दो रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, और आज सिर्फ हम फोटो रिसेप्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स। और फोटो रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होते हैं? आंख के अंदर, ठीक है, आंख के अंदर, यानी कि अगर बड़े लेवल की बात की जाए तो आपकी आंख जो है वो फोटो रिसेप्शन का काम करती है, लेकिन जो फोटो रिसेप्टर्स सेल्स, न्यूरॉन सेल्स हैं
हमने पीछे पढ़े थे न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स की तीन टाइप थी, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर या एसोसिएटेड न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो आंख के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि सारी की सारी आंख जो है वो सेंसरी न्यूरॉन नहीं होती, जस्ट वहां पे आपको दो किस्म के सेल्स मिलेंगे जो कि सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। असल में फोटो रिसेप्टर वो होते हैं, ठीक है, असल में फोटो रिसेप्टर सेल वो होते हैं, फोटो रिसेप्टर ऑर्गन जो है आप आंख को कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों में फर्क है कि आंख जो है वो फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है, जबकि आंख के अंदर आप दो सेल्स का नाम सुनेंगे जिसमें है जी यहाँ पे देख सकते हैं रॉड्स है और कॉन्स है, ठीक है, तो ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आंखों की, तो आपकी आंखें जो हैं वो आपकी खोपड़ी के ऑर्बिट्स में मौजूद होती है इन जगहों के ऊपर, ठीक है, आपको नजर भी आती है कहाँ पे मौजूद है ऑर्बिट्स जो है वो आपकी खोपड़ी के अंदर। अगर मैं खोपड़ी की रफ सी डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे घड़े से बने होते हैं, ठीक है, एक दो घड़े यहाँ पे बने होते हैं और यहाँ पे नाजल कैविटी की जगह खाली होती है, तो ये जो जगह होती है इसको ऑर्बिट्स कहते हैं खोपड़ी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आंखें मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा, आंखों का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें तीन लेयर्स मौजूद होती है, ठीक है, आंखों का स्ट्रक्चर देखें अगर आप, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, तीन लेयर्स मौजूद होती है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे डायग्राम देखूं, आप देखें तो यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको एक मिनट बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि आंख की तरह से तीन लेयर हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये आपको व्हाइट कलर की जो नजर आ रही है, ठीक है, व्हाइट कलर की जो नजर आ रही है ये है स्क्लेरा, नाम साथ में लिखा हुआ है स्क्लेरा है, ठीक है, आपको नाम साथ में नजर आ रहा है इसका नाम क्या है, स्क्लेरा है, ठीक है। और स्क्लेरा के साथ नीचे आपको एक दूसरी लेयर नजर आ रही है जिसमें देखें आपको ब्लड वेसल्स भी नजर आ रही होंगी, तो इसका नाम क्या है, कोराइड, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कोराइड। और बिल्कुल इसकी अंदर एक तीसरी लेयर आती है सबसे आखिर वाली अंदर की तरफ, ठीक है, ये येलो कलर की जो आपको नजर आ रही है इसका नाम क्या है, रेटिना, ठीक है, रेटिना। तो तीन लेयर्स आ गई आपके पास, ठीक है, तीन लेयर्स आ गई, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर एक मसल मौजूद है, ठीक है, ऊपर एक मसल मौजूद है छोटा सा, आपकी आंख के ऊपर छोटा सा मसल मौजूद है, इसी तरह वो नीचे भी मौजूद होगा, नीचे भी मौजूद है और इसी तरह साइडों के ऊपर मौजूद होगा, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ पे मसल्स मौजूद होते हैं और आपकी आंखें जो आगे पीछे इस तरह से घूमती हैं ऊपर नीचे, यही मसल को रोटेट करवा रहे होते हैं, ठीक है, यही मसल जो है इनको रोटेट करवा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और दिखा दूं कि जो स्क्लेरा है, ठीक है, ये देखें आपको जो व्हाइट एरिया नजर आ रहा होता है आंख के अंदर, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये स्क्लेरा लेयर होती है जो आपको वाइटल पोर्शन में जो नजर आ रहा होता है। आगे जाके स्क्लेरा जो है इस रीजन के अंदर ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ये देखें आपको कलर्स नजर आते हैं जो आंखों के कलर नजर आते हैं, ये बीच में एक और दायरा सा नजर आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर व्हाइट एरिया नजर आ रहा है और यहाँ पर ये देखें यहाँ इस बाउंड्री से लेकर अंदर की तरफ सारी की सारी आंख जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि वो जो स्क्लेरा थी वो जो व्हाइट कलर था अब वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें से आपको कलर्स जो है वो नजर आते हैं, ठीक है, कलर्स नजर आएंगे किसके, जो कि आरएस वगैरह जो है, ठीक है, आरएस के कलर नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो जहां पे स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट हो जाती है उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन आपको जो नजर आ रहा है उसको कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे ही आपको आयरिस नजर आएगा, ठीक है, आपको आयरिस नजर आएगा यहाँ पे जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ठीक है, इसको आयरिस कहते हैं। आप हो सकता है आपकी आंखों का रंग, जिसे हम आंखों का रंग कहते हैं बेसिकली, वो आयरिस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आयरिस होता है। आपकी आंखों का रंग डिफरेंट है तो मतलब आपकी आयरिस का कलर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं प्यूपल, ठीक है, प्यूपल, ये जो आप ब्लैक एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं, प्यूपल कहते हैं। और प्यूपल का क्या काम है कि लाइट कितनी अमाउंट में अंदर जानी चाहिए आंख के अंदर उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर आप रोशनी में बैठे हो रात को, कमरे में अच्छी खासी लाइट हो,
तो आप अपनी आंखों के अंदर पीपल को देखें क्या, मतलब शीशे के अंदर देखें या दूसरे किसी बहन भाई की आंख में देखें, तो उसका ये पीपल छोटा सा होगा, छोटा सा बारीक सा। लेकिन एकदम से लाइटें को बंद कर दें, लाइटें बंद कर दें, तब आप कोशिश करें कि एक दो हल्की की छोटी जो है लाइट लगा के उसकी आंखों में देखें, तो उसका पीपल बड़ा सारा हो चुका होगा, यानी कि पूरा फैल चुका होगा। उसकी वजह क्या है कि जब लाइट ज्यादा थी तब लाइट को कम अंदर जाने दिया, ठीक है, और जब लाइट चली गई तो अब लाइट कम है बाहर, तो ये सारा का सारा ओपन हो गया ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी जो है आपकी आंख के अंदर जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा नजर आए, ठीक है। तभी जो है बिल्ली जाती है जब, ठीक है, तो आपको देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पहले आपको बहुत ज्यादा अंधेरा नजर आता है। उसकी दूसरी वजह भी है रॉड सॉरी, लेकिन यहाँ पे इसमें भी ओपनिंग में थोड़ा टाइम जो है वो लग जाता है, ठीक है। तो पीपल आ गई, आपको जो ब्लैक कलर का सर्कल नजर आता है आंख के अंदर, बिल्कुल पीपल के पीछे ही लेंस मौजूद होता है, जिस तरह कन्वेक्स लेंस होते हैं आपकी लेबोरेटरी के अंदर, वहां से तरह एक जो है फ्लूड लाइक लेंस भी मौजूद होता है, ठीक है। और उसको किसने पकड़ा होता है, यहाँ पे सेंसरी लिगामेंट्स बने होते हैं, ठीक है, सेंसरी सस्पेंसरी लिगामेंट्स बने होते हैं, जो कि कहाँ से आ रहे होते हैं, जो कि कॉराइड जो दूसरी लेयर है वही आगे जाके आपके पास मसल्स बना रही होती है, लिगामेंट्स बना रही होती है, जिसे क्या कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, जिन्होंने लेंस को पकड़ रखा होता है और लेंस को बड़ा या छोटा करते हैं फोकसिंग के लिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देखें, अब करीब से अगर आप अपनी उंगली को देखें तो वो आपको फोकस में नजर आएगी, बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप बैकग्राउंड को देखेंगे तो आपकी उंगली जो है वो ब्लर हो जाएगी। ये जो फोकसिंग मैकेनिज्म है, ये सारा कौन कंट्रोल करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। और साथ में आपको देखें सिलरी बॉडी और मसल्स इसी के साथ मौजूद होते हैं जो कि इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, यानी कि सिलरी बॉडी मसल्स और सेंसरी लिगामेंट जो है ये लेंस को पकड़ते हैं अपनी जगह के ऊपर और इसकी फोकसिंग वगैरह जो है इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें जो मसल मौजूद है उसका नाम क्या बताया जाए, मीडियल रेक्टस मसल्स बताया गया है, ठीक है, और ऊपर जो मौजूद है इसको लेटरल रेक्टल मसल कहते हैं, ठीक है। ये है आपके कोर्स का, ऐसा नहीं है जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये एक लाइन सी नजर आ रही है जिसको नाम दिया ऑप्टिक नर्व एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स। तो यहाँ से ब्लड वेसल्स जो है वो आ रही है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स आ रही है और यहाँ में इसी जगह से आएंगे जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जिनके लिए हम आँख को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्टिक न्यूरॉन, ऑप्टिक का मतलब होता है आपकी नजर के साथ जिस चीज का ताल्लुक हो उसे ऑप्टिक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व्स इसका मतलब है कि वो नर्व्स जो कि आपकी आंखों के साथ मौजूद होंगी, ठीक है, आपकी आंखों के एरिया के अंदर मौजूद होंगी, इसका मतलब है कि वो ऑप्टिक नर्व होंगी, तो वो इधर आएगी, इधर जो है न्यूरॉन्स मौजूद होंगे और यहाँ से देखें यहाँ से रोशनी आएगी, ठीक है, यहाँ से रोशनी आएगी और यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद सेंसेशन यहाँ से दिमाग को जाएगी, ठीक है, और लेंस जो है इसको फोकस करेगा इस जगह के ऊपर, यानी कि जितनी भी रोशनी आ रही है उसको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना है और उसे कहते हैं फोविया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं फोविया कहते हैं। और फोविया वो जगह होती है जहां पे बहुत ज्यादा सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और वहां पे आपको जो आपकी लाइट की फोकसिंग है वो वहीं पे होती है फोविया के पॉइंट के ऊपर, और इसके नीचे जो है यहाँ पे नर्व एंडिंग मौजूद होती है, ठीक है, यहाँ पे नर्व एंडिंग मौजूद होती है और नर्व एंडिंग होने की वजह से यहाँ पे रिसेप्टर यानी कि डेंड्राइट्स वगैरह बिल्कुल नहीं होते, तो इसी इस जगह के ऊपर जो सेंसरी न्यूरॉन है वो बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, यानी डिटेक्शन नहीं होती लाइट की, और इसको क्या कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, यहाँ पर नीचे नजर भी आ रहा होगा इसको क्या कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं ऊपर। तो हम देख रहे थे कि इसकी तीन लेयर्स होती हैं, पहली लेयर का नाम आता है स्क्लेरा जो कि आउटर मोस्ट थी और मस्कुलर भी थी, मस्कुलर आपने ऊपर मसल्स देखे थे, ठीक है, इसके बाद है कोराइड, कोराइड थी और आखिर में इनर मोस्ट कौन सी थी, रेटिना थी, ठीक है। तीन लेयर्स हमने देखी, स्क्लेरा की बात करते हैं तो इसका काम क्या है, ये तो एक आपकी आंख को क्या करती है कवर करती है, ठीक है,
आपकी आंख को कवर करती है, और जो इसका इंटीरियर पार्ट है यानी कि आपके नाक वाले एरिया की तरफ सामने की तरफ जो पोर्शन है स्क्लेरा का, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और बल्जिंग होता है। बल्जिंग से मुराद इस तरह से यानी कि ये स्क्लेरा आ रही थी नीचे की तरफ और गोल की बजाय इधर थोड़ा सा बाहर निकल गई और इसको फिर यहाँ से गोल हो गई। ठीक है, तो ये जो रीजन है जो बाहर की तरफ निकल गया इसको कहते हैं बल्जिंग आउट। ठीक है, बल्जिंग यानी कि उभर गई है, यानी कि आपका जो ये वाला रीजन होता है जहां से आपको कलर नजर आ रहा होता है आंख का, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, इसको बल्जिंग कहते हैं। ठीक है, और ये बल्जिंग जो है इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, कोराइड को स्टडी करते हैं, तो कोराइड में क्या है कि डार्कर कलर ऑफ द आई है, आपकी आंख के अंदर जो डार्कर कलर है वो किसकी वजह से आता है, कोराइड की वजह से आता है। ठीक है, और इंटीरियर यानी कि सामने की तरफ जाके मोटी हो जाती है कोराइड लेयर। ठीक है, मोटी हो जाती है, अब मैं आपको कैसे आपको बताऊंगा कि मोटी किस तरह से हो जाती है, और आगे बना देती है सिलरी बॉडी बना देती है, सिलरी बॉडी यानी मसल्स बना देती है, वो हम देखते हैं किस तरह से। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर तो यहाँ पे देखें ये वाली लेयर है कोराइड आपको नजर आ रही है, और यहां से देखें ये वही कोराइड लेयर है, ये जो रेड कलर की नजर आ रही है, आगे देखें ये पतली से आगे जाके ये मोटी हो गई है। ठीक है, ये देखें मोटी हो गई है, कितना एरिया बढ़ चुका है इसका। तो यहाँ पे देखें ये सामने वाला रीजन है, इसको अगर हम यहाँ सेंटर से डिवाइड करें तो ये वाला रीजन जो है सामने वाला जो आपको बाहर नजर आता है, और ये रीजन पीछे वाला है, तो सामने वाला रीजन क्या हो जाएगा इंटीरियर, और पिछले वाला रीजन क्या हो जाएगा पोस्टीरियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोराइड जो है वो क्या हो गई, आगे से थिक हो गई, मोटी हो गई। ठीक है, अच्छा तो आयरिस की बात करते हैं, जो कलर फॉर पोर्शन है आपकी आंख के अंदर। ठीक है, अच्छा कलर पोर्शन ऑफ कोराइड इन इंटीरियर सेंटर, तो इंटीरियर आगे की तरफ सेंटर में जो कलर पोर्शन नजर आता है इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी आयरस कहते हैं। ठीक है, आगे है जी पीपल की, पीपल भी मैंने आपको बता दिया आंख के अंदर जो ब्लैक होल होता है जो कि लाइट की जो एंट्रेस है उसको कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। लेंस भी बता दिया मैंने, पीपल के पीछे मौजूद होता है सिलरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट्स वगैरह जो है इसको कंट्रोल करते हैं, और क्या करते हैं, किस लिए कंट्रोल करते हैं कि फोकसिंग वगैरह करनी है, अगर आपने कैमरास वगैरह DSLR वगैरह यूज किए हो तो वहां पे आप देख सकते हैं कि आप उसकी जो लेंस है उसको घुमाते हैं तो उसकी फोकसिंग जो है वो चेंज होती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो सेंसरी लिगामेंट्स हैं ये भी वही काम करते हैं कि आपकी आंखों के अंदर जो लेंसेस हैं, लेंस मौजूद है उसको आगे पीछे करना जाके आपकी फोकसिंग जो है उस पॉइंट के ऊपर हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे रेटिना की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर इनर वन, जो सबसे अंदरूनी लेयर है उसका क्या नाम है, रेटिना नाम है। ठीक है, और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जिसके हम शुरू में बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखें फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं और साथ में बाकी न्यूरॉन्स भी मौजूद हैं। ठीक है, रॉड्स एंड कॉन्स ये आ गए आपके पास फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल आ गए। ठीक है, रॉड्स इनको इसलिए कहते हैं, देखें दो किस्म के सेल होते हैं, एक आ गए इस तरह से सेल आ गए। ठीक है, और दूसरे होते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर से ये एक सीधा लंबूतरा सा सेल आ गया इस तरह से। ठीक है, और एक जो है वो इस तरह कॉन की तरह बना हुआ आएगा। ठीक है, तो ये जो रॉड की तरह है इनको रॉड सेल कहते हैं, और ये जो कॉन की तरह है इनको क्या कहते हैं, कॉन्स कहते हैं। ठीक है, दो किस्म के सेल्स आ गए, एक रॉड्स होते हैं दूसरा कॉन्स होते हैं। अब जो रॉड्स हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं, वो डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जो रोशनी आ रही है मध्यम रोशनी उसके लिए उसकी सेंसेशन करते हैं, यानी कि जो हल्की हल्की, अगर आप देखें मैं वही एग्जांपल आपको दे रहा था, रात को अगर बिजली चले जाए तो आपको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल डार्क नजर आता है, कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है कि ये जो रॉड्स होते हैं ये थोड़ा स्लो होते हैं, तो होता ही है कि वो जो डिम लाइट होती है कमरे के अंदर, लाइट तो होती है आपको नजर नहीं आ रही होती, थोड़ी देर बाद आपको कलर जो है वो हल्का की चीजें नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो डिम लाइट है वो उसकी सेंसेशन कौन करते हैं, रॉड्स करते हैं। ठीक है, और जो कॉन्स हैं, ये जो कॉन्स नजर आ रही हैं
ये कलर्स को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि आपके आप जो कलर्स देते हैं वो कौन कौन डिटेक्ट कर होता है, कौन से डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें रॉड्स के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसे कहते हैं रोडोप्सिन, ठीक है। रॉड्स के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है और उसे क्या कहते हैं, रोडोप्सिन कहते हैं। और वो रोडोप्सिन प्रोटीन जो है वो किस चीज से बनती है, वाइटामिन ए से, ठीक है। वाइटामिन ए जो है वो रोडोप्सिन प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब अगर देखें वाइटामिन ए नहीं हुआ आपकी बॉडी के अंदर, इसका मतलब कि रोडोप्सिन नहीं बनेगी। रोडोप्सिन नहीं बनेगी मतलब आपके रॉड्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे या काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको डिम लाइट यानी कि लाइट सेंसेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो यानी कि मतलब है कि जब रात को बिजली जाएगी तो आपको तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा। इस डिजीज को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। और ये होती है वाइटामिन ए की कमी की वजह से, ठीक है। वाइटामिन ए कम होगा तो रोडोप्सिन कम बनेगा, रोडोप्सिन कम बनेगा तो रोड जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। जब रोड सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो डिम लाइट को सही तरीके से डिटेक्ट नहीं करेंगे, और जब डिम लाइट की सही डिटेक्शन नहीं होती और वो होती है नाइट के अंदर, और आपको नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाएगी, ठीक है। कॉर्न्स की बात करते हैं तो कॉर्न्स के अंदर रोडोप्सिन प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है, रोडोप्सिन। और कॉर्न्स जो है ये कॉर्न्स ये आगे जाके तीन हिस्सों में डिवाइड, तीन किस्म के कॉर्न्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एक जो है रेड कलर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक जो है ब्लू कलर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और एक जो है वो ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तीन कलर को डिटेक्ट करने के लिए तीन किस्म के कॉर्न्स मौजूद होते हैं। एक आ गया रेड कॉर्न्स, दूसरा आ गया ब्लू कॉर्न्स, और तीसरा आ गया ग्रीन कॉर्न्स, ठीक है। ये तीन किस्म की लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अगर आपने कोई फोटोशॉप वगैरह यूज किया मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, जब आप कलर्स को एडिट कर रहे होते हैं तब आपको वो तीन किस्म के सर्कल देते हैं, ठीक है। एक होता है आर, दूसरा होता है बी, और तीसरा होता है जी। आर जी कलर्स भी नाम सुने होंगे, वो इसलिए क्योंकि आपकी आंखों के अंदर इन तीनों को जो है वो इन चीजों की डिटेक्शन की जाती है। और जब ये तीनों की तीनों कॉर्न्स आपके आंखों के अंदर स्टिमुलेट होते हैं तब आपको सारे कलर्स नजर आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर वैसे एक एक कलर भी निकाल दें तो आपको वो रंग सही तरीके से नजर नहीं आएंगे, ठीक है। वो आपको सही तरीके से कलर नजर नहीं आएंगे, और सबको मिला देंगे सारे सारे कलर जो है उनको मिला दें तो आपको व्हाइट कलर नजर आता है, ठीक है। व्हाइट कलर के अंदर काफी सारे रंग मौजूद होते हैं, और आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिक नर्व को बताया था आपको, आपके ऑप्टिक नर्व कहाँ पे मौजूद होती है, पोस्टीरियर पोल जो है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट था, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मौजूद है, ठीक है। मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ये जो रीजन है, ये है ब्लाइंड स्पॉट, ये वाला रीजन, ठीक है। ये आपको येलो कलर के अंदर नजर आ रहा है, ये है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आपको नजर नहीं आते, यहाँ पे मौजूद नहीं होते आपके रॉड्स एंड कॉन, ठीक है। रॉड्स एंड कॉन यहाँ पे मौजूद नहीं होते, इसलिए ना लाइट की डिटेक्शन होती है ना कलर की डिटेक्शन यहाँ पे होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं जी, फोविया। फोविया भी मैंने आपको बताया था, जहां पे बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड कॉर्न्स मौजूद होते हैं, सिर्फ क्या मौजूद होंगे, कॉर्न्स मौजूद होंगे। और इसे इनको क्या, ये जो है कहाँ पे मौजूद होते हैं, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मैंने बताया पीछे की तरफ और एंटीरियर आगे की तरफ, ठीक है। तो पोस्टीरियर टू द लेंस यानी कि लेंस से पीछे की तरफ मौजूद होंगे, और उस जगह के ऊपर आपको क्या नजर आएगा, ग्रेटर विजुअल एक्टिविटी होगी, क्योंकि क्योंकि वहां पे ज्यादा कॉर्न्स मौजूद हैं, ठीक है। गुच्छा बना हुआ है कॉर्न्स का, उस रीजन के ऊपर आपको ज्यादा कॉर्न्स वहां पर मौजूद हैं, और इसलिए आपको ज्यादा जो चीजें नजर आती हैं वो फोविया पॉइंट से नजर आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दो किस्म के स्पेसेस होती हैं आपकी आंख के अंदर, एक एक्विस चैम्बर है और दूसरा विट्रस चैम्बर है, ठीक है।
कॉर्निया से लेकर लेंस तक जो जगह है, ठीक है, कॉर्निया से लेकर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये जो रीजन है आपको यहाँ पर जो फ्लूइड वगैरह नजर आएगा इसको क्या कहेंगे, एक्वस चैम्बर, ठीक है, एक्वस चैम्बर होगा और एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर फ्लूइड भी मौजूद होगा, ठीक है, एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर फ्लूइड मौजूद होगा जो कि इनको फ्रैक्शन वगैरह से बचाएगा, आपकी शेप बरकरार रखेगा। इसी तरह वेट्रस चैम्बर भी होता है जो कि लेंस और रेटिना के दरमियान मौजूद है, ठीक है, ये देखें ये लेंस मौजूद है यहां से लेकर आंख के अंदर अंदर जो भी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा आपको ये सारा का सारा वेट्रस बॉडी है, यहाँ से आपको नजर आ रहा है, और वेट्रस चैम्बर के अंदर आपको वेट्रस ह्यूमर फ्लूइड मिलेगा, यानी कि आपकी आंख जो फूली हुई होती है वो वेट्रस चैम्बर और एक्वस चैम्बर की वजह से होती है, और उनके अंदर वेट्रस और एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, तो हमने मैकेनिज्म ऑफ विजन भी देखा। अच्छा, मैकेनिज्म देखते हैं कि विजन आपकी आंख जो है वो किस तरीके से काम करती है, स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, ठीक है, अब मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, ठीक है। मैं एक दफा फिर से इसको जूम कर लेता हूँ, ये वाला आगे पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखना है किस तरह से आंख काम करेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास लाइट सोर्स होगा, यहाँ से लाइट जो है वो ये जो पीपल है ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ब्लैक, इसके अंदर से लाइट जाएगी अंदर, ठीक है, लाइट जाएगी, ये देखें लाइट की वेवलेंथ यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी, पूरा का पूरा वो सर्कल जो है उसको वो फिल होके जाएगा। अब मसला ये है कि मैंने कहा था कि फोविया एक पॉइंट होता है जहाँ पे रॉडन कॉन्स जो है वो ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं, यानी कि अब क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये जो लाइट यहाँ पे इंटर हो रही है वो भी सीधा जाके इधर टकराएगी और ये लाइट इधर जाके इधर टकराएगी, तो वो तो इमेज आपके सामने सही बनेगी नहीं, क्योंकि लाइट जो है वो इस तरह से एंटर हो रही है और इसी तरह ही जा रही है, इसके लिए जरूरी है कि लाइट एंटर हो और आगे जाके एक पॉइंट के ऊपर लगे, ठीक है, जो पूरी की पूरी रोशनी आ रही है वो जाके आगे एक पॉइंट के ऊपर लगे, तब भी क्या है कि इधर कन्वेक्स लेंस आपकी आंख के अंदर मौजूद होता है, जब लाइट यहां से अंदर जाती है तो वो उसको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करती है, उस पॉइंट के ऊपर फोकस करती है, वहां पे जाहिर सी बात है सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, वो उस लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, उस लाइट को डिटेक्ट करते हैं, फिर वहां से मैसेज इधर से जाता है ऑप्टिक नर्व्स के जरिए, नर्व्स आपको पता है एक्सॉन्स होते हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सॉन यहां से जाएंगे और कहां पे जाएंगे, आपके दिमाग के अंदर जाएंगे, ठीक है, आपके दिमाग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे न्यूरॉन्स मौजूद हैं, न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन है वो यहाँ से जा रही है आपके दिमाग के अंदर और आपके दिमाग के अंदर इमेज बनेगी, ठीक है, आपके दिमाग के अंदर इमेज बनेगी, ये जो देखने वाला प्रोसेस होता है, यानी कि देखें इसकी एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो जिस तरह स्कूल या कॉलेज के बाहर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा होता है लेकिन तस्वीर ऑफिस में बन रही होती है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह आपकी आंखें तो यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन आपकी इमेज दिमाग के अंदर बन रही होती है, ठीक है, तभी आपको लगे ना इधर इधर आप किसी को जोर से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए वहां, क्योंकि वहां पे जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जो डिस्प्ले हो रहा है वो खराब हो सकता है, ठीक है, यानी कि सेंसेशन आपकी आंखों के अंदर हो रही है और वो जो अब देखें तीन किस्म के न्यूरॉन पढ़े थे हमने, एक सेंसरी पढ़ा था, एक मोटर पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था इंटर न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन लाइट को डिटेक्ट करते हैं और लेके जाते हैं किसके अंदर, आपके दिमाग के अंदर, और वहां पे इंटर न्यूरॉन को चेंज करके तब्दील कर देते हैं विजन के अंदर, ठीक, विजन के अंदर तब्दील कर देंगे, सही है। तो इस तरह से लाइट जो है यानी कि आप रोशनी को किस तरह से देखते हैं, ये था यानी कि कॉर्निया में से लाइट पहले पास करेगी फिर प्यूपल के अंदर से जाएगी और लेंस उसको फोकस करेंगे एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे और वहां से सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से इमेज लेके जाएंगे, सेंसेशन लेके जाएंगे आपके दिमाग के अंदर और आपके दिमाग के अंदर जो है वो सेंसेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है।